सिलीगुड़ी में विधानसभा यूथ कांग्रेस के द्वारा छठ पूजा संबंधित विषयों को लेकर लालमोहन मौलिक निरंजन घाट पर प्रदर्शन किया गया। आज हम लोग यहाँ पर जो विभिन्न संस्थाएं हम लोग लास्ट 10 दिन से यहाँ देख रहे हैं कि बिहारियों के कल्याण के नाम पर सिर्फ उन्हें शोषित करना और उनकी निम्न मानसिकता दर्शाती है। जो बिहारियों के कल्याण के नाम पर यहाँ पर आते हैं और सिर्फ छठ पूजा के 10 दिन पहले ही उनकी नींद क्यों खुलती है, साल भर क्या वो सोए हुए हैं? तो आज हम यह जो देख रहे हैं कि 10 दिन पहले से तरह तरह की यहाँ संस्थाएं आ रही हैं, तरह तरह की राजनीतिक पार्टियाँ आ रही हैं और बिहारियों के नाम पर राजनीति कर रही हैं, छठ के नाम पर राजनीति कर रही है। आज भारतवर्ष में और बंगाल में खास करके दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा, ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी पूजा यही है। तो हमारी मांग एक ही है कि बिहारियों के नाम पे कोई राजनीति ना हो, किसी भी प्रकार की राजनीति ना की जाए। यहाँ पर प्रशासन को मानते हुए और प्रशासन का साथ देते हुए जो और NGTA की जो गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर है उसको मानते हुए छठ पूजा किस प्रकार से अच्छा से किया जा सके। और प्रशासन से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, शहर के एक भाग में रेलिंग लगा के सौंदर्यीकरण किया जाता है और दूसरे भाग में यह गंदगी, ये किस प्रकार का राजनीति दर्शाता है? मैं स्पष्ट रूप से बोल देना चाहता हूँ ये गलत है। तो इसके लिए मैं बोल देना चाहता हूँ प्रशासन से कि आप हर एक बिहारी का साथ दें, छठ पूजा अच्छा से हो, कोई तकलीफ नहीं हो, यहाँ पे परमानेंट घाट की व्यवस्था किया जाए। यह एशिया में 2nd सबसे बड़ा जगह है जहाँ पे छठ पर्व मनाया जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर परमानेंट घाट की व्यवस्था की जाए, सुनिश्चित किया जाए और छठ को अच्छा से मनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी उचित हो, सोशल डिस्टेंसिंग मांग के हो, जो भी गाइडलाइन हो उसके तरफ से, वो बिहारी समाज के लिए हो, उसके लिए ही हम लोग आज यहाँ पे आए। लोगों को होने वाली समस्या का जिम्मेदार आप किसे ठहरा रहे हैं? लोगों की होने वाली समस्या का जिम्मेदार हम उसे ठहराते हैं जो साल भर सोए रहते हैं और छठ के 15 दिन पहले जागते हैं, जिनका घर इस मोहल्ला और इस इलाका के आसपास है। उनको क्या ये रेलिंग आज 10 दिन पहले, 15 दिन पहले दिखा? ये रेलिंग का काम तो 3 महीना से हो रहा है, उन्हें आज दिखा राजनीति करने के लिए? हाँ, सिर्फ बिहारियों के नाम पे ही राजनीति क्यों? छठ पूजा अच्छी तरीका से होना चाहिए और इस प्रकार के किसी भी समिति को हम लोग नहीं मानते हैं। यूथ कांग्रेस की तरफ से आज हमारा यही आवेदन है, प्रशासन को जो भी हो अच्छे रूप से बिहारियों की हेल्प करके अच्छा तरीके से छठ पूजा होना चाहिए। इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, इसके लिए हम लोग इसलिए कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम ये रेलिंग तोड़ने के पक्ष में नहीं, हम ये पक्ष में है इस तरफ रेलिंग बनाए उस तरफ क्यों नहीं। शहर के एक भाग को सुंदर दिखाया जाएगा, दूसरे भाग को गंदा, तो यहाँ पर रेलिंग रहते हुए छठ को किस प्रकार से अच्छा ढंग से किया जा सकता है? रेलिंग तो बन चुका है लेकिन इसके हिसाब से किस प्रकार से छठ व्रती आएंगे, छठ पूजा अच्छा ढंग से होगा, उसकी व्यवस्था की जा सकती है, हम उसकी मांग करते हैं। भैया एक बार रिकॉर्ड कर ले तो क्या क्या दाबी लेके आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हमारी मांगे ये है कि बिहारी के कल्याण के नाम पर, बिहारियों के कल्याण के नाम पर जो अकल्याण का काम किया जा रहा है कुछ समितियों के द्वारा, जो सालों भर सोए रहते हैं और छठ पूजा के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आगे जिनका नींद खुलता है और तरह तरह की राजनीतिक गोटियां सेकने के लिए यहां पर आते हैं, आज हम उसके खिलाफ हैं। हमारी मांग एक ही है कि हर एक प्रशासन की बात को मानते हुए, NJTA की बात को मानते हुए, हाई कोर्ट की बात को मानते हुए छठ पूजा जो बिहारियों का महापर्व है, सनातन धर्म का महापर्व है, उसको हम लोग ठीक ढंग से करें, यहाँ पर परमानेंट घाट की व्यवस्था की जाए, ये हमारी मांग है। हम किसी भी प्रकार से बिहारी के ऊपर होने वाले राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि साल भर प्रशासन सोई रहती है, समिति सोए रहते हैं, 20 दिन, 25 दिन आगे इनका नींद खुलता है, छठ पूजा ख़त्म, इनका भी नींद में सो जाते हैं। तो हमारी मांग है, छठ पूजा बिहारियों का बहुत बड़ा पर्व है, प्रशासन का हेल्प लेते हुए, मदद लेते हुए छठ पूजा को किस ढंग से अच्छा रूप से किया जाए, यही हमारी मांग है। दूसरी मांग है, प्रशासन हमारे शहर के एक तरफ रेलिंग बनाती है, दूसरे तरफ भैंस चर, तो इसके लिए आप किसे गलत जिम्मेदार ठहराइए? इसके लिए हम डायरेक्ट जो भी प्रशासन है उनसे मेरा यही निवेदन है कि अगर आपको एक तरफ सौंदर्यीकरण करना है तो दूसरे तरफ भी कीजिए, NGTA के फॉलो कीजिए, हाईकोर्ट की बात को फॉलो कीजिए, दूसरी तरफ भी अच्छा से
सौंदर्यकरण कीजिए, शहर को सौंदर्य करना है तो मतलब दिखावा मत कीजिए, अच्छा से कीजिए और पर्व को अच्छा से मनाने का इजाज़त दीजिए ताकि किसी व्रतवर्ती को प्रॉब्लम ना हो। अगर यह रेलिंग नहीं हटाई गई तो यूथ कांग्रेस के द्वारा आप लोग आगे क्या कदम उठाएं? देखिए रेलिंग हटाना हमारा उद्देश्य नहीं है, जो समय छठ पूजा छठ पूजा करते लोग आते।